नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के वेतन के बारे में। हम सभी लोगों के दिमाग में यह बात कहीं ना कहीं कभी न कभी जरूर आती है कि देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सांसदों का वेतन कितना है, इसके साथ ही उन्हें अन्य किन किन चीजों की सुविधाएं मिलती है। तो आइए आज हम जानते हैं आखिरकार देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य सांसदों को कितना वेतन मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देश के पहले व्यक्ति होने का गौरव हासिल करने वाले देश के राष्ट्रपति के बारे में। भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रतिमाह होती है। आपको बता दें कि जनवरी 2016 से पहले यह 1.6 लाख रुपए मिलता था। अब इनका वेतन 5 लाख रुपए है। इसके साथ ही इन्हें अन्य सुविधाएं भी दी जाती है। इसके साथ ही इन्हें दुनिया के सबसे बड़ा राष्ट्रपति आवास भी मिलता है, जो 5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ। राष्ट्रपति के पास 25 कारों का एक काफिला होता है। इस काफिले के बीच में उनकी कार चलती है। राष्ट्रपति भवन के रखरखाव के लिए सालाना बजट 30 करोड़ रुपए आवंटित होता है। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति के वेतन के बारे में। इसके साथ ही और भी उनके वेतन के समकक्ष आने वाले अधिकारियों के बारे में जानेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए प्रतिमाह होती है। इसके साथ ही उन्हें अन्य सुविधाएं भी दी जाती है। राज्य के गवर्नरों को 3,50,000 रुपए वेतन के तौर पर मिलता है। इसके साथ ही इनके खाते में भी अन्य सुविधाएं आती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपए वेतन के रूप में मिलती है। इसके साथ ही उन्हें और भी सुविधाएं दी जाती है। अब हम बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री की सैलरी के बारे में। भारत के प्रधानमंत्री की सैलरी 1.6 लाख रुपए प्रतिमाह होती है। एक आरटीआई के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बेसिक सैलरी 50,000 रुपए प्रतिमाह थी। साथ ही उन्हें खर्च के लिए 3,000 रुपए प्रतिमाह भत्ते के रूप में दिया जाता था। इसके अनुसार उन्हें महीने में कुल मिलाकर 62,000 रुपए मिल जाते थे। इसके साथ ही उन्हें 45,000 रुपए का चुनाव क्षेत्र भत्ता भी मिलता था। हालांकि इन आंकड़ों को कई साल हो गए हैं, तो इसमें बदलाव की भी संभावना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री को कई अन्य सुविधाएं भी मिलती है, जैसे कि नई दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग में बंगला, पर्सनल स्टाफ, स्पेशल सुरक्षा वाली लिमोजीन कार, एसपीजी की सुरक्षा, एक स्पेशल जेट और भी बहुत कुछ मिलता है। पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें तो पीएम के एफिडेविट के अनुसार उनके पास 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसके अलावा उनके पास गुजरात के गांधीनगर में उनके नाम से एक प्लॉट है। इनके पास 1.27 करोड़ रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पर है और 38,750 रुपए इनके पास कैश के रूप में रकम है। अब हम बात करते हैं रिटायर होने वाले प्रधानमंत्रियों को कितनी मिलती है वेतन। प्रधानमंत्री को रिटायर होने के बाद भी 20,000 रुपए प्रतिमाह का पेंशन मिलता है। प्रधानमंत्री को दिल्ली में एक बंगला मिलता है। इसके साथ ही एक पीए और एक चपरासी उन्हें दिया जाता है। रिटायर होने के बाद भी प्रधानमंत्री मुफ्त में कितनी भी रेल यात्राएं कर सकते हैं। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री को हर साल 6 घरेलू एग्जीक्यूटिव क्लास की हवाई यात्राओं के टिकट मुफ्त में मिलते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री को अगले 5 साल तक ऑफिस के साथ कुछ रिफंड भी दिया जाता है। इसके बाद 6,000 रुपये प्रति वर्ष ऑफिस का खर्च के तौर पर दिया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री को 1 साल के लिए एसपीजी की सुरक्षा भी दी जाती है। आपको बता दें कि सांसदों की सैलरी का प्रावधान द सैलरी अलाउंस एक्ट, पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954 के तहत किया गया है। इसके तहत एमपी को 1 लाख रुपए की बेसिक सैलरी और 45,000 रुपए का चुनाव क्षेत्र भत्ता मिलता है। 2018 के शुरुआत तक सांसदों की बेसिक सैलरी 50,000 रुपए हुआ करती थी। इसके साथ ही अन्य सुविधाएं भी मिलती है। ये थी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और देश के अन्य सांसदों के बारे में, उनके वेतन के बारे में हमने जाना बिहारी न्यूज में। और भी ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।